हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने बनाया पालक पनीर। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत कुछ बताना है मुझे, आप लोगों से बात करनी है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो अभी शाम के बज चुके होंगे 4 और मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही थी। खाना बनाने खाने के बाद तो मैं चली गई थी कॉलेज। वहाँ से आई तो फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, आराम किया, फिर अभी आ गई हूँ किचन में। तो बर्तन की सफाई कर रही हूँ, पहले से यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ आज का काम। आ गई हूँ मैं किचन में और पालक पनीर की तैयारी में लग गई हूँ। तो अभी मैं पालक साफ़ कर रही हूँ, 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी इसे। तो उसके बाद फिर हम आगे बनाएंगे। तो पालक मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है, बस धनिया साफ़ कर रही हूँ। धनिया भी साफ़ कर लूँगी, धुल लूँगी, धुल के एक साइड रख दूँगी। उसके बाद दुबे जी सामान लेके आए थे बाज़ार से, मार्केट से, तो मैं वहीं पे देखने लगी थी क्या लेके आए थे, क्योंकि मसाले मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं मसाले घर पर ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा बीच में तबीयत नहीं सही था तो मैंने मार्केट से मंगाया था, बट अब कुछ सही हो गई हूँ तो फिर से बनाऊँगी अपने मसाले। तो हल्दी धुल के मैंने रख दिया है, इधर पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी में मैंने मिक्स कर दिया है पालक। तो पालक को अच्छे से उबाल लेंगे 2 मिनट तक, ज़्यादा हमें उबालना नहीं है। ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो इसका कलर अच्छे से नहीं आता है। फिर ठंडे पानी में मैंने पालक को निकाल के रख दिया है, सिर्फ हमें 2 मिनट ही पालक को पकाना है और उसके बाद ठंडे पानी में इसमें से निकाल के रख दूँगी और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी थी, मसालों की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन छील के रख लिया है, हरी मिर्च कट कर लिया है, अदरक के कुछ टुकड़े ले लिए हैं कट करके साफ़ करके उसे। फिर उसके बाद प्याज को छील कर हम बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और हरी मिर्च को भी मैंने बड़े टुकड़ों में ही कट किया है। साबुत रखा है मैंने लहसुन, और अदरक के टुकड़े भी हमें बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करने हैं। यहाँ पे मैं मसालों की तैयारी कर रही थी और इधर खुशी लेके आई है सब सामान। यह केचप, टोमेटो केचप, ये चिप्स लेके आई, और क्या लेके आई है केचप के साथ खाने के लिए, ये है आप लोगों को दिख रहा होगा पैटीज। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो इसी के साथ है मिला है केचप, एक खुशी लेके आई है पेटीज, और आज बहुत खुश है, आज खुश की पार्टी हो गई। चिप्स भी लेके आई, ये दो चिप्स और ये। तो अभी हम लोग भी चल रहे हैं फिर खाने, खाने के बाद तो फिर बनाएंगे अपना पालक पनीर। आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं जा रही हूँ अभी खाने। केचप ले तो ली हूँ लेकिन मैं केचप खाती नहीं, मैं ऐसे ही खाती हूँ सिंपल, इसमें आलू रहता है तो खा लेती हूँ। केचप मुझे पसंद नहीं, थोड़ा सा ले लूंगी अभी। पेटीज खाने के बाद मैंने बनाया था नींबू का चाय। तो हम लोगों ने नींबू का चाय पिया, बच्चे तो पीते नहीं, मैं और दुबे जी ने पिया। और बच्चों को मैं सुबह ही सिर्फ चाय देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में जीरा ले लिया है और बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, लौंग, काली मिर्च, ऐसे ही सब खड़े मसाले ले लिए। फिर उसमें मैंने जो कट करके प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक रखा था वो सब कुछ मिक्स कर दिया। उसे 1 मिनट पकाने के बाद फिर उसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर भी अच्छे से हम ऐसे भून लेंगे, पका लेंगे 2 मिनट तक ढक के। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया था। पालक मेरा ठंडा हो चुका है तो मैं इसे ग्राइंडर जार में रख ले रही हूँ और इसे पीस लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जो कुछ मैंने रखा था। तो पक भी गया है लगभग, बस 1 मिनट और पकाएंगे उसे। और पीस लिया है मैंने इस पालक को, अच्छे से प्यूरी बना ली। तब तक मेरा प्याज और टमाटर और सब मसाले जो मैंने अभी भुना है ठंडा होगा, तब तक मैं इधर रही हूँ चावल। अभी चावल बना लूंगी और साथ के साथ सब्जी भी तैयार हो जाएगा मेरा। अलग बर्तन में मैंने निकाल के इसे ऐसे फैला दिया है ठंडा होने के लिए प्याज टमाटर को। तो फिर ये ठंडा हो चुका है, मैंने इसे रख लिया है ग्राइंडर जार में, उसी वाले ग्राइंडर जार में मैंने जिसमें पालक पीसे हुए थे भी। तो अच्छे से खूब पीस लिया है और चावल भी मेरा उस साइड बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है,
कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा जीरा ले लिया है और जो मैंने प्यूरी बना के रखा है टमाटर और प्याज का लहसुन का, तो मैंने उसे मिक्स कर दिया। खूब अच्छे से भून लेंगे, चला लेंगे इसे एक दो मिनट तक। और इसमें मैंने सब मसाले अपने ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा हल्दी और रेगुलर वाले वहीं किचन किंग मसाला, क्योंकि मार्केट का है अभी। और यहाँ पे पनीर की तैयारी में लग गई थी मैं, पनीर कट कर दिया, सब मसालों को मैंने मिक्स कर दिया। नमक वमक मिक्स करने के बाद उसे थोप दिया है, ढक दिया है, तो मेरा चावल भी पक रहा है साथ के साथ। इधर मैं पनीर कट कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया। जब इसमें से तेल ग्रीस करने लगा, छोड़ने लगा, तो मैंने यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखा था पालक, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं चम्मच से मसाल ली थी मलाई, तो एक दो चम्मच पानी मिक्स करके इसमें मलाई को अच्छे से मैं फोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अब टाइटल के विषय में। टाइटल में मैंने जैसा कि लिखा कि क्या रिलेशन है, तो मेरा रिलेशन रमा जी से यही है कि मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं। जैसे आप लोग वेट करते रहते हैं उनकी वीडियो का, वैसे मैं भी उनकी वीडियो का ही वेट करती रहती हूँ। जब उनकी वीडियो आती है तो तुरंत जाके देखती हूँ। यही बताना था आप लोगों से मुझे। पनीर मिक्स करने के बाद दो मिनट मैंने उबाल लिया है, उसके बाद मैंने मलाई इसमें मिक्स कर दी है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस मेरे चैनल को। और यहाँ पे मेरी बन चुकी है पनीर, तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से ठीक किया, पतला रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पतली ही रखी है क्योंकि चावल और रोटी दोनों से मुझे खानी है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।